shapes and space. What is shapes? In junior class, we all learned about what is shapes. Shapes is a rectangle, triangle, square, circle. Then space. What is space? So space is a space. Space मतलब जगह है. यहाँ पे मैं खड़ी हूँ यहाँ पे. तो ये मैं जहाँ भी खड़ी हूँ मेरी जगह है. वो मेरी space है. बराबर? मेरे पास एक book है. ये book पर मैंने एक pen रख दिया है. तो ये pen ने जो जहाँ पे रखी है, जो उसकी जगह है, उसको बोलेंगे space. ये pen जितना part रोकती है, वो उसको बोलेंगे ना space. What is inside and what is outside? Inside. Inside मतलब अंदर की बाजू. Inside मतलब अंदर. और outside मतलब बाहर. यहाँ पे मैंने बताया कि एक fish है. Fish है वो pot में अंदर है. तो fish is inside the pot and the ball. वो pot के बाहर है. तो the
बोलेंगे? तो जिसका ये शेप है, देखो मेरे पास एक बॉटल है, ये बॉटल का शेप देखो, यहाँ से सर्कल है, यहाँ से भी सर्कल है, और यहाँ से उसने लेंथ बताई है। तो ऐसा कौन सा शेप आता है, इसको बोलेंगे सिलेंडर, बराबर। ये कौन सा शेप है? सिलेंडर शेप है, सिलेंडर है। ये पकड़ू ऐसा होता है, और इसमें टाइम भी वेस्ट होता है। तो फिर मम्मी क्या करती है, बॉक्स को अलग अलग कर देती है। मैं इसलिए
शॉर्टिंग करना मतलब अलग करना, उससे क्या होता है हमारा काम इजी बनता है ना, हमें कोई भी चीज आराम से मिल जाती है ना, शॉर्टिंग। फिर हम अपने बैग में भी क्या करते हैं, स्कूल की बैग लेकर आते हैं तो नोटबुक और टेक्स्ट बुक साथ में लेकर आते हैं है ना, तो मिक्स होना चाहिए, तो हम क्या करते हैं बैग में टू पार्ट कर लेंगे, एक बाजू नोटबुक कर लेंगे और दूसरी साइड क्या कर लेंगे हम टेक्स्ट बुक, तो नोटबुक और टेक्स्ट बुक शॉर्ट हो गए। तो आसानी से जब भी कौन से भी मिलना है तो हमें फटाफट इंग्लिश की नोट है, इंग्लिश की नोटबुक, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक फटाफट मिल जाएगी है ना, हमारा काम इजी बन जाता है। फिर लास्ट वर्ड है रोलिंग एंड स्लाइडिंग, रोलिंग एंड स्लाइडिंग। स्लाइडिंग तो सबको पता है, सब स्लाइड करते हो ना, सब लोग क्या करते हो गार्डन में खेलने जाते हैं ना पार्क में, तो स्लाइडिंग का स्लाइड पर बैठते हैं और फिर नीचे सरक के जाते हैं है ना, इसको बोलेंगे स्लाइडिंग। और रोलिंग, अब रोलिंग और स्लाइडिंग में क्या डिफरेंट है, क्या इसमें भी ये है कि यहाँ भी नीचे आना है यहाँ से भी नीचे आना है, लेकिन डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट यही है कि बॉल है मेरे पास, एक बॉल है ना, ये बॉल को मुझे ऐसे फेंकना है तो ऐसे करके आएगा, ऐसे रोलिंग करके आएगा है ना, मतलब जो स्फीयरिकल चीजें है सर्कल चीजें है वो कैसे करके आएगी नीचे, रोलिंग करके आएगी है ना। और स्लाइडिंग का मतलब क्या है कि मेरे पास ऐसा क्यूब है कि ऐसे कोई क्यूब या क्यूबॉइड शेप की कोई चीजें है तो वो कैसे आएगी, ऐसे सरक के आएगी, वो एक शेप है तो यहाँ से ऐसे सरक के आएगी, ये जो सरक के आती है उसको बोलेंगे स्लाइडिंग। और बॉल जो होता है वो कैसे करता आता है कि रोलिंग करते करते आता है, ऐसे रोलिंग रोलिंग करते, तो इसको बोलेंगे रोलिंग। अंडरस्टूड, दिस इज रोलिंग एंड दिस इज स्लाइडिंग।